हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक में बात करेंगे ये 30x40 फीट का एरिया के ऊपर, प्लॉट के ऊपर हम लोग एक सिटी में अगर घर बनाएंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये जो है ये आपका नॉर्थ फेस हाउस है, ये आपको टाइटल मिल ही गया होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ ये नॉर्थ फेस है। और ये जो है कोशिश किया हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका ये वास्तु के अकॉर्डिंगली हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है, नहीं है, कैसा है, नहीं है, और आपको क्या पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ बोलने का ज़रूरत नहीं है, लास्ट में कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। फिर भी बता दे रहा हूँ, लास्ट में आप लोग फिर भी पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में कमेंट करके बताइए। अगर कुछ खामियां लगे, अगर कुछ लग रहा है कि गलत हुआ है, कुछ हुआ है, तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिए, कमेंट में बताइए जो भी बोलना है आपको, मैं उस चीज़ का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जो भी दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो के अंदर घुस जाते हैं और जो कुछ है, क्या है, नहीं है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका फ्रंट लुक है, ठीक है, उम्मीद रखता हूँ फ्रंट लुक थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये मेरा बहुत पसंद आया ये घर बनाने के बाद, मैं उम्मीद नहीं किया था इतना अच्छा बना पाऊँगा मैं। जो भी हो, ये जो है आपका सिटी के लिए, तो म्यूनिसिपलिटी एरिया में क्या है आपको घर बनाने के लिए, दोनों तरफ से, सॉरी चारों तरफ से आपका जो बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ से आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो चारों तरफ से जो है आपका प्लॉट से दो दो फीट करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। दो दो फीट करके छोड़ने के बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। तो चलिए हम लोग एक बार आउटर लुक देख लेते हैं। ये जो हो गया फ्रंट लुक, ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड। तो ये हो गया आपका ईस्ट, जिधर पेड़ लगा हुआ है, और ठीक उसका ऑपोजिट साइड पे ये हो गया वेस्ट, और घर का पीछे का तरफ जो है साउथ साइड है। तो हम लोग थोड़ा अभी वेस्ट साइड पे देख लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये आ गया साउथ साइड पे, देन ये आ गया ईस्ट साइड पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग घर बनता है। तो चलिए अभी अंदर देखते हैं, सब लोग बेचैनी से होंगे। तो ये हम लोग घुस गए अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोगों का गेट है, मेन गेट। जो मेन गेट में घुसने के बाद यहाँ पे एक पार्किंग रखा हूँ, आप चाहे तो पार्किंग में यूज़ करें, नहीं तो आप जो मर्जी आप यूज़ करें इसमें। तो ये जो है आपका 12.5 फीट बाई 10 फीट का है, ये जो एरिया है, ये लंबाई है 12.5 फीट और ये चौड़ाई जो है आपका 10 फीट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एक सीट बैग दिया हुआ है, या फिर क्या बोल सकते हैं, बैठने के लिए जगह, या फिर जो है सामने के थोड़ा सा हिस्सा जो है रखा हुआ है ताकि कुछ लोग आ जाए तो खड़ा रह सके। तो ये जो है 10.5 फीट बाई 5 फीट का ये एक जगह है, यहाँ पे एक मैं पेड़ लगाया हूँ, प्लांटेशन किया हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए। देन ये जो आपका मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेन एंट्रेंस पे आपको मिल रहा है ये जो है आपका एक लिविंग रूम है, ठीक है। ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम पे या फिर ड्राइंग रूम जो बोल सकते हैं, इसमें आपका सोफा ऊपर लगा हुआ है, और ये जो टीवी शोकेस दिया हुआ है, ये जो है आपका मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, 10 फीट बाई 12 फीट है, एनफ है, ठीक है। कोई भी आता है तो गेस्ट वगैरह तो यहाँ पे रुकेगा, देन उसके बाद जो है आपका घर के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे जो एंटर कर रहा है, जो मेन जो हॉल है, ये हॉल आपका लगभग 17 फीट बाई 13.5 फीट का है, ठीक है, अप्रॉक्स 17 फीट बाई 13 फीट का, 13.5 फीट का जो है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सब डायमेंशन में दे चुका हूँ, मुझे नया करके बोलने का ज़रूरत नहीं। आप सब लोग बहुत दिन से देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप सब लोगों को पता है मैं क्या करता हूँ, नहीं करता हूँ। और साथ ही यहाँ पे जो आपका डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, तो ये डाइनिंग लोकेशन जो है आपका 9 फीट बाई 8.5 फीट का है, ठीक है। ये जो है 8.5 फीट, और ये जो है चौड़ाई जो है आपका 9 फीट है, और लंबाई जो है 8.5 फीट है। अच्छा, इसके बाजू में जस्ट है यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं मंदिर रखा हूँ, जो कि सेपरेटली, अभिषेक जी का कहना था कि मंदिर जो होगा, जो पूजा रूम होगा, वो एकदम टोटली सेपरेट होना चाहिए, ताकि कोई बाहर से कुछ नहीं, पूजा होगा तो अंदर बैठ के कर सकते हैं। जो ये 4 फीट बाई 8 फीट का मैं यहाँ पे रखा हूँ, ये देखिए, ये 8 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई, ठीक है। तो 8 बाई 4 का यहाँ पे एक पूजा रूम है, ठीक है, हो गया पूजा रूम। अभी हम लोग अंदर घुसते हैं, तो ये आपका हो गया साउथ ईस्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे आपका जो है एक किचन है, जो कि आपका लगभग 8 फीट है चौड़ाई और 11 फीट है लंबाई, ठीक है, 11 फीट बाई 8 7 फीट 9 इंच, ये आपका जो है किचन है। किचन के जस्ट बाजू में यहाँ पे एक आपको लैट बाथ अटैच मिल जा रहा है, जो कि आपका 4.5 फीट बाई 7.5 फीट का है, 4.5 फीट जो है आपको चौड़ाई और लंबाई जो है 7.5 फीट का है। और बाहर जो है यहाँ पे एक मैं बेसिन लगा दिया हूँ, ताकि यहाँ पे हैंड वॉश करने के लिए या फिर नेसेसरी वर्क के लिए ये यूज हो जाएगा। उसके बाद में नीचे जो है एक आपका बेडरूम है, जो बेडरूम आपका आ जा रहा है यहाँ पे 11 फीट बाई 12 फीट का, ठीक है, ये 11 फीट चौड़ाई है और लंबाई जो है आपका 12 फीट का, तो ये आपका आ जा रहा है यहाँ पे,
उसके बाद ये कॉर्नर पे आपका जो है स्टेयर दिया हुआ है, बाकी ये जगह खुला छोड़ा हुआ है। अभी इसके साथ साथ हम लोग जाएंगे ऊपर वाला फ्लोर पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ जी दोस्तों, तो ये आप देखिए हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, सबसे पहले एक आपका सोफा रखा हुआ है यहाँ पे, तो ताकि थोड़ा ऊपर में कोई बैठने का जगह हो जाए। ये सीढ़ी से ऊपर आए, ऊपर आने के बाद सीधा जो आपका ये कॉमन बाथरूम है, जो कि ये वाले रूम पे और ये वाले रूम पे जो जो लोग रहेंगे उन लोगों के लिए ये कॉमन बाथरूम है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉल है ये आपका 12 फीट बाई 18 फीट का लंबा है। ये दीवार से लेके ये दीवार जो है आपका 18 फीट है और ये जो है आपका 12 फीट है, ठीक है। और यहाँ पे देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये दोनों तरफ आपका तीन बेडरूम है। ऊपर में ये वाला जो बेडरूम है, पहले दिखा देता हूँ, ये मास्टर बेडरूम है जो कि आपका 13 फीट बाई 11 फीट का है, ठीक है। 13 फीट बाई 11 फीट का ये आपका मास्टर बेडरूम है। और साथ ही इसके साथ एक आपका अटैच लैटबाथ मिल जा रहा है, जो कि 4 फीट चौड़ाई है और 6 फीट लंबाई। और यहाँ पे जो मैं कॉमन बाथरूम के बारे में बोला था, ये कितना है, 7.5 फीट लंबाई है और चौड़ाई तो वही है 6 फीट, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, मेरा लैपटॉप जो हैंग हो गया। हाँ ठीक है, अभी ये जो है सेकेंड बेडरूम जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ये भी आपका 13 फीट लंबाई है और 9.5 फीट जो है चौड़ाई है। तो लंबाई में हर एक रूम में ज़्यादा रखता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से यूज हो सके, कोई दिक्कत ना हो किसी का, ठीक है। तो ये आपका जो एक बाहर साइड पर नहीं बोल सकते, ये आपका और एक बेडरूम है जो कि 10 फीट बाई 12 फीट का है, 12.5 फीट का है। ये एक बेडरूम है और ये बेडरूम के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका बैल्कनी भी मिल जा रहा है। बाहर एक बहुत बड़ा बैल्कनी है, छोटा नहीं है, 15 फीट बाई 12.5 फीट का बैल्कनी, बहुत ही बड़ा बैल्कनी होता है, ठीक है। और ये साइड से जो है आपका एक चैनल मिल जा रहा है, आप चाहेंगे तो इसमें भी आप घूम सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है बात यही है। और इसके साथ साथ हम लोग टॉप फ्लोर पे आ जा रहे हैं, यहाँ से आप निकल सकते हैं, ये जो आपका स्टेयर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा एक्सटीरियर और अच्छा दिखने के लिए मैं इस कुछ ये जो जगह है आपका बैल्कनी के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा एक फेब्रिकेशन किया हुआ ग्लास लगा के, थोड़ा सा जो स्टील का रहेगा ये, अगर आप चाहते हैं तो यूज़ कीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ अभिषेक जी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप बताइए आपको कैसा लगा, नहीं लगा। साथ ही साथ और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो दोस्त लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी बताइए वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वीडियो में कुछ भी खामियां रहा होगा या फिर मेरा बोलने में, मैं समझाने में दिक्कत हो गया होगा, तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिए। डिसलाइक करने से ख़राब लगता है, इतना मेहनत करता हूँ, 2-3 दिन में मेरा एक वीडियो रेडी होता है, उसके बाद अगर डिसलाइक आता है तो ख़राब लगता है। तो जो भी हो, अगर कुछ खामियाँ रह गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने के लिए। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप सब लोगों के साथ, दोस्त लोगों के साथ। फिर मिलेंगे दूसरे कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।